हेलो फ्रेंड्स, अब मैं एक और एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि करेक्ट माई करेक्ट एड मैचिंग। ऐसे वीडियो बहुत वायरल होता है, आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब में लगाएगा तो इस वीडियो में बहुत सारे लोग बनाए हुए गए अपन के सर को कैसे एड मैचिंग करेक्ट करने का। एक ड्रैगन है तो ईगल कोई भी आके अपन को सर को लेके जा जाता है, और उसमें अपन को बहुत सारे लगा के दिखाने का कि बहुत सारे तीन चार हेड को लगा के एक एक मैच करने का, और लास्ट में अपन को हेड को मैच करके अपन करेक्ट करने का। ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। आपको ये वीडियो में ट्यूटोरियल एक 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 करके आपको एकदम ईजी में बताऊंगा। आप भी इसको जरूर पूरा देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। अभी 9:16 में सेलेक्ट कर देने का, अभी मेरा करंट एडमेजिंग वीडियो में जिन्हें शूट किया था उसको इंपोर्ट करने का। अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, देखो एक मिनट। हाँ, अभी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी इसको ऊपर से मैं दिखाता हूँ, पहले मेरे स्क्रीनशॉट ले देने का। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बैकग्राउंड में जो भी अपन का हेड है उसके पीछे कोई नहीं रहने, कुछ भी नहीं रहने का। अभी इधर झाड़ है तो इसमें थोड़ा एडिट करते समय थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगाया, नहीं तो स्काई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आसमान रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पूरा आसमान रहेगा आपके बॉडी के पीछे। आप देख सकते हैं, वो देखने में अच्छा रहेगा। अभी देखो, पहले स्केट को मैं क्रॉप करके निकालने का। अभी मैं पहले इसको एड को मैं क्रॉप करने से पहले इसको ओ आसमान का जो क्रॉप करके उसको लगा देने का। देखने में आसमान जैसा ही दिखेगा पीछे। अभी झाड़ था इसलिए थोड़ा देखने में राउंड देखने में अच्छा दिख रहा नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, खाली ये सीखने का कैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे आप देख सकते हैं। अभी देखने के बाद अभी पूरा इसको पहले जो जो मैं आने मूवमेंट करता हूँ उस टाइम पे वो मेरा सर दिखने का नहीं, तो उसमें एनिमेशन में क्यों जाके किधर किधर मेरा सर दिखता है उसको उस टाइम पे वो मेरा वो सर्कल को थोड़ा ऊपर नीचे लगा देने का। अभी थोड़ा मैं ऊपर लगा दिया ताकि मेरा हेड पूरा दिखाई नहीं लास्ट तक वीडियो जोड़ने से पहले। अभी पूरा मैंने एक एक करके मैं लगाता हूँ, देख देख सकते हैं। अभी इधर थोड़ा दिख रहा है तो एनिमेशन मुझे के ऊपर लगा के एनिमेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। किधर किधर सर दिखता है उस टाइम पे उस हेड को बॉल कर ऊपर लगाने का नीचे लगाने का ऑटोमेटिकली एनिमेशन हो जाएगा अगर एनिमेशन की का सेक्शन में जाना चाहता है तो। अभी ये पूरा मैंने कर दिया एक एक किधर किधर सर को दिखाता हूँ। अभी दूसरा ये सर को निकालने जैसा एक वीडियो बनाने का, इसमें मैंने डुप्लीकेट पहले एक बना दिया और सर को अलग से वो क्रॉप करके लगाने का। अभी मैंने देखो, अभी सर को मैंने अलग से क्रॉप कर रहा हूँ। अभी अगर ये बैकग्राउंड में खाली आसमान रहेगा तो देखने में एडिट करने में बहुत अच्छा दिखेगा। अभी आपको ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं रहेगा लगता मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली ये कैसा कर रहा हूँ वैसे देख के सीख जाएगा आप। अभी मैंने हेड को लगा दिया मैंने, अभी इसके हेड को निकालने जैसा मैं करने का। अभी देख सकते हैं ये पूरा एडजस्ट कर लिया और इस हेड के हिसाब से। अभी जो हेड मेरे को निकालने के बाद मैं आसमान को दिखा के चार हेड को देखता हूँ उसके पीछे उस वीडियो को स्पीड कर देने का ताकि आपको एडिट करने में बहुत अच्छा लगे। अभी ईगल कुछ तो लगा देने का निकालने जैसा। अभी मैंने इधर कौवा क्रो को लगा दिया। अभी ये क्रो मेरा सर को निकालने जैसा मैं वीडियो इफेक्ट करने वाला हूँ। वो सिंपल है एनिमेशन में जाने का कैसे, पहले से ही वो प्लस सेकंड स्टार्टिंग थोड़ा निकाल के लगाने का। और अभी तो आपने स्पीड किया उसके बीच में जाके वो क्रो लगा देने का, और पूरा एंड में जाने के बाद उसको वो क्रो को वीडियो के ऊपर से लेके जाने का। अभी मेरा सर के एफर्ट करने का, अभी क्रो का एफर्ट कर दिया आपने। अभी सर इधर पकड़ रहा है उस टाइम प्लस सेकंड क्लिक कर देने का, और निकालते समय किधर किधर क्रो जा रहा है उस जगह पे लगा देने का। हेड का भी कर दिया मैंने, अभी हेड को निकालने जैसा वो एनिमेशन हो गया। अभी हेड निकालने के बाद अपन को उस जगह पे स्काई का आसमान रहने का वो। अभी निकालने के बाद अब पहले से वो कैसे मैं क्रॉप किया था वो आसमान का, वैसे अपन पहले इसको क्रॉप करने का
वही स्क्रीनशॉट लेने का, नहीं तो उसको इम्पोर्ट कर देने का स्क्रीनशॉट जो लिया अपन ने। अभी मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। इसके बाद क्रॉपिंग सेक्शन में जाने का, और क्रॉपिंग को मास्क को ऑन करने के बाद शेप को राउंड में क्लिक करने का, और पूरा ड्रैग करके आसमान के राउंड को झलक के आने का, और इस हेड के ऊपर, मेरे हेड के ऊपर लगा देने का। अभी मैं थोड़ा बड़ा करके इस हेड को लगा दिया। अभी लगाने के बाद किधर से कौवा लेके जा रहा है, उसके बाद उसको सड़क करके वो बॉल को लगा देने का, जो आसमान का बॉल जैसा मैंने किया था। अभी हेड निकालने के बाद वो बॉल आ जाएगा। अभी मेरे चार हेड को ऊपर निकाल के रखने का। अभी पहले मैं एक बियर का लेके आ गया, टेडी बियर का। अभी लेके आने के बाद दूसरा एक एक सर को लेके आने का, हाथ में कैसा ऊपर करता हूँ, उसके बाद वो सर को पूरा लेके आके एनिमेशन करने का। पहले टेडी बियर लगाने के बाद अभी दूसरा एक मिक्की माउस का हेड को मैं लगा रहा हूँ। उसको भी छोटा कर देने के बाद चार जगह पे रख देने का। अभी लगाने के बाद उसको भी पूरा एंड तक ड्रैग कर देने का। अभी तीसरा कोई मेरा सर्कल, नहीं तो और एक एनिमेशन का सर्कल लगाने का। अभी मैंने तीसरा उस कल का एक एनिमेशन है, फोटो इमेज, उसको मैं ऊपर लगा दिया मैंने। अभी तीन तीन तक अपन ने लगा दिया, चौथा तो अपना हेड तो रहना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथ होएगा। मैं तो चौथा तक की वीडियो को शूट किया हूँ, इसलिए मैं चौथा का मेरे हेड को मैं लगा देता हूँ उधर। अभी ये तीन हेड को बराबर पूरा तक रखने के बाद मेरा इमेज जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें क्रॉप करके मास्क, क्रॉप करने का मास्क में अपना सर्कल का लेके जाने का। अभी मैंने एक सर्कल को लेके आ रहा हूँ उधर। अभी सर्कल को लगा दिया मैंने ऊपर, इसको थोड़ा ट्रैक करके मैंने ऊपर लगा दिया। अभी चार हेड आ गए, कैसे मैं हाथ दिखाता हूँ उस टाइम पे चार हेड आने का, उसी टाइम पे आपको एक एक सर्कल लगाने का। इसमें सबको इन एनिमेशन किया तो देखने में बहुत अच्छा रहेगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा एनिमेशन, कुछ तो छोटे मोटे एनिमेशन लगा देने का। अभी मैं एक एक हेड को लगा के दिखाने वाला हूँ। पहला ये सब कैसे दिख रहा है देखो, पहले किसको मैं बुलाता हूँ देखो, उसको पहले लगाने का। पहले इसमें मिक्की माउस का हाथ में दिखा रहा हूँ उसको, इसको कैसे किया एनिमेशन जाके मिक्की माउस को सेलेक्ट करने का, और ड्रैग करके हाथ नीचे लेके जाने से हमें ड्रैग करके नीचे सर को जोड़ने का। ये अच्छा नहीं है, मेरा सर नहीं है, तो क्लिक करने के बाद उसमें प्लस बटन क्लिक करने का, क्लिक करते समय और निकालते समय उस वीडियो जो हेड है वो पूरा वो वीडियो से ऊपर लेके जा जाने का किधर भी। अभी दूसरा मैं टेडी बियर को लेके आता हूँ नीचे, वो मेरा सर रह क्या देखने के लिए, वही एनिमेशन करने का। और नीचे लेके आने के बाद हाथ को हेड को लेके आके मुझे जोड़ने का। अभी मैंने इसको जोड़ दिया, ये भी सही नहीं है, ऐसे मैं बोलने के बाद इसको किक मारते लेके आने, हाथ नीचे लेके चलते समय हेड को निकाल देने का। अभी तीसरा स्कल को मैं लगा रहा हूँ, उसको पहले एनिमेशन चूज कर देने का, और हाथ निकालते समय नीचे लेके आ जाने का। अभी ये भी बराबर नहीं है ऐसे सर, इसको हाथ किक करते समय उसमें प्लस आइकन क्लिक करने का, और नीचे रखते समय वो हेड को पूरा वीडियो से निकाल देने का। अभी ये तीन का हेड भी बराबर मैंने इफेक्ट कर दिया, चौथा वाला था ये तो सही होना चाहिए, तो इतना ही वीडियो मैंने बनाया तीन तक। और नीचे आते समय हाथ को लेके आते समय उस हेड को नीचे लेके आके जोड़ने का। अभी मेरे सर को जोड़ दिया, जोड़ता हूँ। जोड़ने के बाद उस टाइम पे थोड़ा आगे लेके आके वो इमेज को डिलीट कर देने का, स्प्लिट में जाके ट्रिम करके, नहीं तो ट्रिम लेफ्ट राइट को चले करके डिलीट कर देने का। अभी मैंने डिलीट कर रहा हूँ देखो, एनिमेशन कर दिया हेड को मैच करने के बाद, थोड़ा आगे निकाल के
स्प्लिट करके ट्रिम राइट कर देने का। बस अभी ये होने के बाद जो मेरा वीडियो पूरा था उसके बीच में मैंने तो भगवान का समय क्या किया था, मैंने आसमान का राउंड करके हेड में लगाया था। उस वीडियो को कभी मेरा हेड बनता है उस रिमेनिंग पार्ट को डिलीट कर देने का, ताकि मेरे वीडियो में हेड बराबर होके मैं पूरा हेड को हिलाने जैसा दिखेगा। अब ये पूरा होने के बाद इस वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देने का। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है। कैसे लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? आपको इजी लगा होगा, लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। आपको इसको वीडियो को बहुत अच्छे लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो सबको। अब अगर आपको एक वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर